नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। अंतिम फिल्म के बारे में एक इम्पोर्टेंट और शॉकिंग अपडेट देने जा रहा हूं मैं। ये खबर बड़ी ही डिफरेंट है, हटके है, लेकिन ये खबर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक मैं गुणगान गा रहा था कि अंतिम फिल्म अक्टूबर 15 2021 को आएगी, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशंस बिल्डअप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये अब सिर्फ सपना रह जाएगा। मैं आपको बताता हूं मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो दावा किया था कि 15 अक्टूबर को अंतिम आएगी, 30 डेज काउंटडाउन बिगिन हो चुका है, मैं दावों को मेरी झुठला नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिचुएशंस के हिसाब से चीजें हो रही है। अब सिचुएशंस क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर सलमान खान ने 7 सितंबर को अगर ये कहा, ये पोस्टर शेयर किया अंतिम का और ये लिखा कि अंतिम कमिंग सून, जिसका मतलब साफ है कि वो दशहरा 2021 को ही टारगेट रख के उन्होंने वो अनाउंस किया था। सितंबर 7 से लेकर आज सितंबर 20 है, 13 दिन बाद, अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इस महीने में कोई अपडेट नहीं आया थिएटर्स को लेकर, और आने लास्ट के 10 दिन बाकी मुश्किल से इस महीने के, जो ये महीना चला जाए, कोई फिल्म नहीं, कुछ नहीं है। अगले महीने की भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, स्पेशली बॉलीवुड से अगर बात करें, सिवाय रावण लीला को, रावण लीला यानी कि जो भवाई अब नाम हो चुका है उसका, और वो महाराष्ट्र में रिलीज हो ना हो, उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पर सलमान खान और मेकर्स रुके, कुछ वक्त तक रुके, ये सोचकर कि शायद थिएटर खुल जाएंगे, हम अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दे। और देखो, आज भी क्रुशियल डे था, मेकिंग सॉन्ग रिलीज हुआ, विघ्नहर्ता का मेकिंग सॉन्ग रिलीज किया, आज भी रिलीज डाल सकते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं डाला है। और आज एक और अनाउंसमेंट आ गई, वो अनाउंसमेंट ये थी कि भैया देखो, बात यही थी कि इसी हफ्ते में, यानी पिछले हफ्ता जो था उसी में एक डेट आ जाएगी अंतिम फिल्म की, और अंतिम फिल्म अक्टूबर 15 को आएगी, ये सुनिश्चित था। ये लगभग मेरी बात से लोग एग्री करोगे, और जो नहीं एग्री करोगे मेरे को नहीं पता, बट यही चीज होने वाला था। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे मेकर्स ने ये देखा है कि अंतिम फिल्म का पूरा पूरा बेस जो है महाराष्ट्र का है, फिल्म की स्टोरी एक मराठी फिल्म पर बेस्ड है, और पूरा जो फील है इस फिल्म का वो मराठी वाला फील है, यानी कि महाराष्ट्र की ऑडियंस इस फिल्म को ज्यादा से देखी, ज्यादा से देखी। वैसे भी हिंदी फिल्म का जो 30% कलेक्शन आता है वो महाराष्ट्र से आता है, लेकिन इस तरह की फिल्म का जो इसका पूरा बेस महाराष्ट्र का है, मुर्शी पैटर्न का हिंदी रिमेक, तो ऐसी फिल्म का 35 से 40% कलेक्शन अकेला महाराष्ट्र से आएगा, ये पक्की बात है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र का थिएटर्स ओपन नहीं है या क्लियरिटी नहीं है, तो मेकर्स अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। तो इसीलिए आज क्या हुआ है, आज रश्मि रॉकेट नाम की एक और फिल्म अनाउंस कर दी है जी ने, और जी ने साफ तौर पर इस फिल्म को Z5 पर डाला है। जी हाँ दोस्तों, Z5 पर 15 अक्टूबर को अंतिम की जगह और एक फिल्म अनाउंस कर दी है, जिसका नाम है रश्मि रॉकेट। तापसी पन्नू मेन लीड रोल में है, एक एथलीट यानी कि एक धावक की भूमिका में वो निभा रही है। एक अलग तरह की फिल्म होगी, थोड़ा सा इंस्पायर्ड फिल्म होगी ये, और लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है, या मैं भी, आप भी सोचेंगे, सूर्य अब अगर रश्मि रॉकेट आ गई तो क्या लगता है तुझे, अनाउंस करेंगे क्या अंतिम को भी उसी दिन? तो मैं कहूंगा कि नहीं, कोई पागल ही होगा जो अपनी ही दो फिल्में एक ही दिन रिलीज करेगा। और जी ने अगर दोनों ही फिल्में खरीदी सिलसी बात है, तो दोनों ही फिल्में एक दिन रिलीज नहीं करेगा। तो ये तो अब तय हो चुका है दोस्तों कि अंतिम आएगी तो कभी भी आएगी, लेकिन दशहरा छोड़कर आएगी, ये बात पक्की है अब। क्योंकि अगर वो लोग दशहरा अब आना चाहते हैं, तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि पहले थिएटर में आए दशहरा को, क्योंकि ओटीटी पे आ रही ना रश्मि रॉकेट, दशहरा पे थिएटर में पूरा रिलीज करे, और उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद ओटीटी पर आए कौन अंतिम, जो वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर फायदा हुआ है राधे से ओटीटी वाले को यानी Z5 वालों को, तो इधर भी अंतिम में सेम प्रोसेस वो लोग करने वाले हैं। और वो लोग अगर मेरी बात माने तो दिवाली ही टारगेट करके अब चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मेकर्स फिलहाल जो टारगेट करेंगे या जो टारगेट कर रहे हैं वो दिवाली का ही होगा। उसका रीजन ये है कि मान लीजिए थिएटर्स अभी तक खुले नहीं है, और ये अगले महीने के मिड में खुल गए, जो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में खुल गए, तो 2-3 हफ्तों में छोटी छोटी फिल्में जो भी आएंगी, उसके बाद थिएटर से एक बकअप होगा, थोड़ा थोड़ा बेहतर होगा, उसके बाद वो लोग अंतिम फिल्म नवंबर 5 को रिलीज कर देंगे दिवाली के मौके पर, थिएटर और ओटीटी। तो फिलहाल की अपडेट यही है सीधे सीधे मायनों में कि अक्टूबर 15 को अंतिम फिल्म अब नहीं आने वाली, ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि उस दिन Z5 वाले रश्मि रॉकेट फिल्म लेकर आ रहे हैं। और ये खबर मुझे अपडेट की है फराज ने, तो फराज आपका बहुत बहुत
शुक्रिया, सुबह वैसे ही खबर आ गई थी बट ये लॉजिक में नहीं लगा पाया। तो फराज भाई आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा अपडेट आपने दिया है मुझे और ये खबर मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है ये खबर सबको अच्छी लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये खबर मैं बताने का यही मकसद था कि आप लोग और मैं, हम लोग जो सोच रहे थे अंतिम का दशहरे का सपना, वो लगभग सपना ही रह जाएगा और फिलहाल मेकर्स दिवाली का टारगेट कर रहे हैं, ये पक्की बात अब लग रही है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो जैसे इतना दिन रुके वैसे 10-15 दिन और रुक लेंगे, क्या बोलते हैं दोस्तों? चलिए कहा कितना है।